मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन डांगी का बड़बोलापन सामने आया है। इस विधायक ने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी दी है। डांगी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर कभी सामने आई तो उसका पुतला नहीं बल्कि उसे पूरा साक्षात जला भी देंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में दिए अपने बयान पर उपजे विवाद पर सफाई दी है। वहीं हर जगह उनका विरोध तेज होता जा रहा है। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी इस मसले पर कुछ ज्यादा ही तैश में नजर आए। इस बड़बोले विधायक ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को जिंदा जलाने की धमकी दे दी। इस विधायक का कहना है कि कभी सांसद साध्वी प्रज्ञा सामने आई तो उनका पुतला नहीं उन्हें साक्षात जलाया जाएगा। आप भी सुन लें इस विधायक की धमकी। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कथित तौर पर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। इस पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।